हरियाणा के बहादुरगढ़ के छोटे से गांव के साधारण से परिवार के युवा का जब परीक्षा पास कर न्यायाधीश के तौर पर चयन हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित कुमार की, जिनका चयन दिल्ली में न्यायाधीश के पद के लिए हुआ है, जिसके बाद परिवार के तमाम लोग खुशी से झूम उठे हैं। दोस्तों, परिवार के लोगों ने बताया कि किस तरह अमित कुमार रात रात भर जागकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाते थे। अमित कुमार ने बताया कि वो इस मुकाम तक अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलकर कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंच पाए हैं। अमित कुमार के पिता, जो कि खुद भी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, जब उनसे सच की रफ्तार के संवाददाता ने बात की तो वो भावुक हो गए। कैसे अमित कुमार इस मुकाम तक पहुंच पाए, देखिए सच की रफ्तार की इस खास रिपोर्ट में। साधारण से गांव का एक साधारण सा युवा जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है तो वो अपने गांव, अपने परिवार के साथ साथ सभी का मान बढ़ाता है। ऐसे एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। अमित कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बधाई हम क्यों दे रहे हैं उसका जवाब आप ही देंगे, तो किस लिए आपको ये बधाई दी जा रही है, किस लिए आपको मान सम्मान हो रहा है? मैं दिल्ली जुडिशरी में एज ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेलेक्ट हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये कि जब इतने बड़े एक मुकाम पर आज पहुँचे हो आप, तो बड़ी मेहनत की होगी इसके लिए, तो क्या क्या आपने लाइफ में जूझा, कितनी मेहनत करी, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? जो मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र रहा उसमें काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन और मेरे रिश्तेदार सब ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और समय समय पर मुझे मोटिवेट करते रहे कि आप पढ़ते रहो, आप परिणाम की चिंता मत करो, आपका एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। आप न्यायाधीश बने हैं आप, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई लिखाई की होगी आपने, तो किस किस कठिनाइयों को आपने मतलब दूर करके वहां तक उसको सब चुनौतियों को दूर करके यहां तक पहुंचे, तो क्या क्या परेशानी झेली आपने सब चीज़ें? परेशानी इसमें सबसे बड़ी जो आती है वो आती है कि गाइडेंस की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इस पेपर की तैयारी हर बच्चा नहीं करता, इस पेपर की तैयारी बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत इसमें गाइडेंस की आती है। लेकिन फिर भी मैं लक्की हूँ कि मेरे पिताजी ने कोई इस लोग के बारे में काफ़ी जानकारी है और उन्होंने मुझे बार बार हर बार मुझे अपने मोटिवेट किया और गाइडेंस दिया। मतलब इस मुकाम तक जहाँ तक आप पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी का पूरा हाथ है उसके अंदर। बिल्कुल, तो मतलब जो आज मैं भी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इनका सबसे बड़ा योगदान ही निकल। अच्छा, बहुत सारे युवा इन सब चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं और आजकल तो पढ़ाई लिखाई का या एक अच्छी जॉब पाने का, सरकारी जॉब पाने का एक ट्रेंड चल गया और बड़ी उसमें एक प्रतियोगिता है, बड़ा चैलेंज है उसके अंदर। तो जितने भी युवा हैं तमाम जो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश रहेगा कि आप सोशल मीडिया से आप दूरी बना लें, आप अपने घर में रहे अपने पढ़ाई करें और एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, अमित जी ने बड़ी गंभीर बात बोली है कि सोशल मीडिया से दूर रहें और ये रील की लाइफ छोड़ के ना रियल लाइफ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं रील की लाइफ जो है ये आपको बर्बाद करती है और आपका जो मुकाम है, आपका जो एक जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाह रहे हो उससे दूर करते हैं। तो अमित जी, जितने भी युवा हैं उनको इस तरह के प्रतियोगिता के लिए किस तरीके से, मतलब आपने, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हो, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं? सब कोई स्पेशल कोई गाइडेंस उनको? इसमें कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे फील हुई कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो आपका फ्रेंड सर्कल हो वो पढ़े लिखे वाला होना चाहिए। जैसे मेरा दो दोस्त थे, राहुल और प्रदीप, इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। ये दोनों भी जुड़ी सके तैयारी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो अब एक न्यायाधीश आप बन गए हैं और एक जो सरकारी मशीनरी जिसको हम बोलते हैं उसके एक टॉप लेवल पर आ गए, जहाँ पे देश के 150 करोड़ लोगों की एक मतलब एक वो होती है कि भाई अभी ये आदमी बैठा है ये हमें न्याय देगा, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और जो भी कानून के हिसाब से जो भी काम होगा मैं वो कानून के हिसाब से वही काम करूँगा। चलो, तो ये है अमित कुमार जी और इनके परिवार के तमाम लोगों से, खासतौर से इनके पिता से, उनसे जरूर मिलेंगे, जिनके गाइडेंस से, जिनकी मेहनत से ये आगे। जैसे आपको अमित कुमार जी से मिलवाया और अमित कुमार जी ने बताया कि आज वो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, एक न्यायाधीश बने हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके माता पिता का बड़ा अहम योगदान है, तो उनके पिताजी से मिलवाते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम विजेंद्र कुमार, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट हूँ, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी कानून से जुड़े हुए हैं। कानून का तो दिल्ली का ही काम है, लेकिन बच्चे ने जो किया है तो बहुत ही हमारे बड़े गौरव की बात है, और ख़ासकर इसकी मम्मी जो है, इसकी माता जी है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया कि ये रात को जैसे 2-2.5 बजे खाना खाता था, दिन में दोपहर कभी इन्होंने खाना नहीं खाया, रात ठीक है, और रात को खाना 2-2.5 बजे ही खाना, 2 रोटी खानी, और लगभग 3 साल से ऐसे कर रहे थे। एक जो युवा बच्चा होता है खास तौर से घर के अंदर, उसके रोल मॉडल या उसके हीरो कह लो, उसके पिता होते हैं, तो आपने क्या ये शुरू से प्लानिंग कर ली थी कि मुझे अपने बेटे को जज ही बनाना है, न्यायाधीश बनाना? इसने क्या था, मैंने इसको बीटेक की कोचिंग शुरू की, तो मैंने फिर मेरे दिमाग में मैंने इसे सलाह ली, मंगा बेटा लो कि उसमें आप, तो इसने फिर कहा ठीक है मैं कहना लो करूँगा, और इसने लो करने के बाद इन्होंने आज वो काम कर दिखाया जो मैंने इसको जो अपना टारगेट दिया था वो इन्होंने पूरा किया। एक पिता के लिए सबसे बड़ा एक जो मुकाम होता है वो ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकला, आप खुद दिल्ली पुलिस में हैं और अब बेटा आपका न्यायाधीश बन गया है, तो अब एक वो सिचुएशन हो गया कि शायद कभी हो सकता है आप उनके कोर्ट में जाए और आपको उनको सलूट मारना पड़े, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जब भी मेरा कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल सलूट मैंने मारना पड़ेगा, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, आप सही बेटा हो गए मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब सीनियर होगा, जो भी जज होगा या कोई हमारा सीनियर होगा, सलूट देना पड़ेगा। नहीं, ये वैसे भी एक देखो पिता के लिए कितनी गर्व की बात है कि उसका बेटा एक पोस्ट में उनसे आगे निकल गया और उसको अगर वो सलूट करे तो ये वैसे अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है, और कहीं ना कहीं इस बात को सुन के आप भी भावुक तो हो ही गए थोड़े से। मुझे तो बड़ी इसमें खुशी होगी कि मैं अपने बेटे को सामने शेर की कुर्सी पर बैठे हुए देख रहा हूँ और मैं सिर झुका के वहाँ सलूट लगा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं देखिए कितना एक भावुक पल है कि एक पिता के लिए कितने गर्व की बात है कि वो अपने बेटे को सलूट मारेंगे। खैर, वैसे कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसका पिता उनको सलूट मारे, पर ये अपने आप में गर्व की बात है, एक मेहनत है कि इनकी एक इन्होंने इनके बेटे अमित ने कितनी मेहनत करी, एक निश्चय था उनका कि एक मुकाम तक पहुँचना है, आज वो पहुँचे हैं और आज कहीं ना कहीं इनकी मेहनत वो दिख रही है आज कि इनके पिता इतने भावुक हैं और पूरा गांव, पूरा तमाम लोग आज इनके ऊपर गर्व कर रहे हैं। सर, जितने भी हमारे युवा हैं खासकर दिल्ली के अंदर, वो सब लोग आपने देखा आजकल क्राइम सोशल मीडिया इनमें जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने बेटे के लगा कि भी इसको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और कुछ करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? मेरी पोस्टिंग ज़्यादातर क्राइम ब्रांच की रही है और मैंने देखा है कि पुलिस वाला के बच्चे इस पोस्ट तक पहुंचाना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन इसकी माता जी का सहयोग है कि इन्होंने इनकी देख रेख की, वो मैं तो बाहर ही रहता था, लेकिन मैं बीच बीच में पूछता रहता था कि अमित क्या कर रहा है, तो ये कहती थी पढ़ रहा है, तो मेरे तसल्ली होती थी कि शायद एक दिन क्या नाम जज बनेगा। दोस्तों, अमित जी की माता जी यहाँ साथ में मगर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं जितनी मेहनत अमित ने करी है उतनी ही मेहनत इन्होंने भी करी है। जी हाँ, बिल्कुल करी है, ज़्यादातर तो मैं ये कहना चाहूँगी इनके पापा ने ज़्यादा करी है। अच्छा। बस इनने ये बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये सिलेक्शन तक पहुँचना है। अधिकतर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना घर के अंदर, हाँ। तो ये होता है कि माँ उनको बिगाड़ती है। नहीं नहीं, कभी मेरे घर से बाहर नहीं निकले, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में से एक भी बाहर नहीं निकलता, मेरे पड़ोसिया ने भी ये पता नहीं चलता कि कब आपके बच्चे सोए हैं, कब खेले हैं, नहीं, कब भी नहीं। अच्छा, अमित जी अब न्यायाधीश बन गए हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा जज बन गया, इस लायक जो मैंने सोचा था वो मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने। जैसे हमने बताया कि आज वो न्यायाधीश बन गए, और जो भाई बहन होते हैं घर के अंदर, लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में प्यार प्रेम में, और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई बहनों में, आज अमित जी न्यायाधीश बन गए हैं, तो इन चीज़ों को लेके वो लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं अमित जी की बहन से पूछूंगा, आपको कैसा लग रहा है आज अमित जी यहाँ पहुँच गए, इस मुकाम पर पहुँचे? ये बहुत ही एक ग्रेट और प्राउड मोमेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम मेरे पूरे परिवार के, यानी हमारे पूरे परिवार, हमारे शहर, गाँव, सबके लिए है। मैं बस इतना कहूँगी, बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है जो मेरे भाई ने गेन किया है, इससे बहुत से बच्चे इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं,
और मैं बस इतना कहूँगी कि मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे बड़े भाई को, तो हम तो फिर भी बाहर रहते थे तो इतना हम उनको टाइम नहीं दे पाते थे। ये मेरा बड़ा भाई जो है घर पे रहता था, उनको सब टाइम देता था और उन्होंने भी मतलब एक कॉपरेशन की बात हो जाती है, मम्मी पापा ने भी उनको सपोर्ट किया है और मेरे बड़े भाई ने भी उनको सपोर्ट किया है, तो इसीलिए उन्हीं के मतलब क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है, मेरे पेरेंट्स को। और बस इतना ही कहूँगी कि ये बहुत ही मतलब खुश होने वाली बात है और इसके लिए आई फील वेरी प्राउड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये अमित कुमार जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा, तो आपको मतलब अब पापा आपके पुलिस में हैं, बड़े भाई न्यायाधीश होंगे, तो आपकी तो मौज हो गई। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है और बड़े सम्मान की बात है कि मेरे पापा पुलिस में हैं और मेरे भाई अब जज बन चुके हैं, तो ये सब मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है, पूरे शहर के लिए, पूरे गाँव के लिए। क्योंकि छोटे घर से एक सामान्य घर से आना और इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना एक सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि जब एक पहला इंसान उस उपाधि तक जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाइडेंस की कमी होती है उसके पास। लेकिन पहले अटैम्प्ट में वहाँ तक जाना और इतना सब अचीव करना है बड़ी रिमार्केबल चीज़ है, मतलब ऐसी चीज़ काफ़ी कम देखने को मिलती है। और ये एक एग्जांपल सेट करता है कि हज़ारों युवाओं को जो सामान्य परिवार से आते हैं और उस पोस्ट का सपना देखते हैं जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, एज अ इंस्पिरेशन काम करेगा, क्योंकि हम सब सामान्य घर से आते हैं, सामान्य घर से जब बंदा वहाँ पे जाता है तो सब एज अ इंस्पिरेशन उसके लिए काम करता है। तो बड़े भैया आप न्यायाधीश हो गए, जज बन गए, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए और सबके लिए, क्योंकि अभी ये एज अ सोसाइटी सबके लिए काम करना है, मैं चाहूँगा सबके लिए काम करें, अपना काम ईमानदारी से करें। तो अब भाई के साथ लड़ाई होगी, पहले की तरह नहीं होगी? ठीक है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई तो होती ही रहती है। तो अब सलूट मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक परिवार है अपना, खुशहाल परिवार, और एक ही परिवार में पिता दिल्ली पुलिस में, भाई न्यायाधीश, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो एक सामान्य परिवार से, सामान्य गांव से एक बच्चा अगर निकलकर अगर न्यायाधीश तक हो सकता है तो ये आप लोगों के लिए भी सोच रहा हूँ। जी, आज आपके पोते जज साहब बन गए, न्यायाधीश बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, बहुत खुश हुई, पोता लाइक दिन। अच्छा, तो बड़ी फख्र की बात है ये। हाँ, बड़ी खुशी। दोस्तों, आज हम दिल्ली से चलकर भादौड़ आए हैं और भादौड़गढ़ का एक गांव है जहाँ पे अमित कुमार जो कि एक न्यायाधीश लगे हैं, तो इनके गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके लोगों का क्या कहना है वो आज वो भी बताते हैं आपको। जी, सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम राम कुमार धनखड़। अमित कुमार जी, आज आपके यहाँ से जो बच्चा है वो न्यायाधीश बन गए, जज बन गए दिल्ली के अंदर, तो कैसा लग रहा है जी इस बात को? ऐसा है जी, बच्चे का सबसे प्रथम गुरु माता होती है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोत्तम, तो माता सिटीजनशिप बिगेंस एट होम, सच्ची नागरिकता घर से ही आरंभ होती है, तो बच्चे की जीवन में सबसे अहम रोल जो होता है वो माता का होता है, फिर पिता का होता है, दादी का भी होता है। बाकी गांव का ये है कि ये जो खानदान है ये आत्मबल है इनमें बहुत ज़्यादा, और ये झुकने उकड़े वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये न्याय जो करेंगे वो ठीक करेंगे और इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये। आप बताइए, गांव का बच्चा एक न्यायाधीश बन गया, ये बड़ी फख्र वाली बात है पूरे गांव के लिए। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे गांव का तो ये पहला ही बच्चा है जो इतना निकला है, क्योंकि माँ बाप हैं बहुत मेहनत करते थे जब अपना बच्चा निकाला है, मेहनत करते हैं, ये सारे गांव वाले बहुत खुश हैं और सबके लिए बहुत ही खुश हैं। अमित कुमार जी न्यायाधीश लग गए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे गाँव को बसे हुए 500 साल हो गए, अच्छा ऐसी पोस्ट हमारे गांव में पहली बार लगी है, इससे हमारा 36 सारा गांव बहुत खुशी की उसमें है, बहुत खुशी मान रहे हैं, और हमारे इस उस मामले में हम ये कहना चाहते हैं परिवार बहुत अच्छा परिवार है, इनके दादाजी ने भी दिल्ली पुलिस की सेवा करी है, इनके पिताजी ने भी दिल्ली पुलिस की सेवा करी है, और ये जो हादसा तो लगेंगे अच्छे फैसले करेंगे और बढ़िया परिवार है, और इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, गाँव में भी इज्जतदार परिवार है, इन्होंने या राजनीति में भी रहे हैं, हर चीज़ में ठीक रह रहे हैं। बढ़िया, आप बताइए भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, काम में बढ़िया, काम का नाम उसने कराया, एरिया का कराया, और ऐसे ऐसे बच्चे तो जो है ना हर घर में हों, ये बहुत बढ़िया है, हमारे गांव में पहलवान भी बच्चे हैं, और एक हमारी सी
उसमें गाँव में 3-4 बच्चे खेल में भी निकले हैं जो नेशनल टीम में सिलेक्शन होगा। पहलवान भी हमारे गाँव में, पहलवान अंतर्राष्ट्रीय सतर के पहलवान भी हमारे गाँव में। चलो बहुत बढ़िया, हमारे गाँव का एक पहले एक IPS भी हमारे गांव का जज ये लगा पहला, गांव में पूरे गांव में पूरे जिले में ये कह सकते हैं पहले। हमारे इस आसपास बहुत कई गांव में जज ये लगा पूरे